गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं हूं आप लोगों के एडी सर और आप लोग हैं फंड फ्लो चैप्टर में। तो लास्ट क्लास में हम लोग फंड फ्लो में ये देखे थे कि उसका दो स्टेटमेंट बनता है। एक होता है स्टेटमेंट फंड फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग सोर्स ऑफ एप्लीकेशन समझाए थे, कौन सा सोर्स है, कहाँ से आता है और कौन सा एप्लीकेशन है। और बैलेंस शीट एनालिसिस करने के बाद जो चेंज इन वर्किंग कैपिटल है, उसमें भी हम लोग देखे थे वर्किंग कैपिटल का चेंजेस क्या है, इंक्रीज डिक्रीज नेट वर्किंग कैपिटल का क्या चेंजेस हो रहा है। तो आप लोगों को एक छोटा सा सम बना के दिए थे, उसके बेसिस से हम लोग सॉल्व किए थे। देखिए, ये वो छोटा सा सम है, पेज नंबर 4 जो हम लोगों को हम आप लोगों को दिए लास्ट वीडियो में, वो थोड़ा चेक कर लेना। यहाँ पे आज हम लोग बाकी जो क्लास है, आज का क्लास में बाकी जो चीज़ बाकी है वो हम सीखेंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पे जे यहाँ पे इक्विटी एंड लाइबिलिटीज है, उसमें शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, ये सब आपका नॉन करंट लाइबिलिटी है ना, ये करंट लाइबिलिटी है। तो इन करंट लाइबिलिटी को हम लोग ने क्या किया, इसको हम लोग चेंज इन वर्किंग कैपिटल में बैठा दिए। ठीक वैसे ही करंट एसेट को भी हम लोग चेंज इन वर्किंग कैपिटल में बैठा दिए। यानी आपके पास जो बैलेंस शीट रहेगा क्वेश्चन पेपर में, उसमें से करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी दोनों को आप वर्किंग कैपिटल में बैठा दो, वहाँ पे सेट हो जाएगा। लेकिन उसको छोड़ के भी तो बहुत सारा कुछ एसेट है ना, एसेट है, लाइबिलिटी है, उसका क्या करें। तो उसके लिए हम लोगों को 6 से 7 पॉइंट देखना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग ये सब सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या लिखे, ऑल फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। देखिए, फिक्स एसेट का इन्वेस्टमेंट और फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट दोनों आपका एसेट है, वो बैलेंस आपका आता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में, क्लोजिंग होगा कैरेट डाउन में। ठीक है, यहाँ पे बाई बैलेंस 3D होगा, ये नहीं लिखा है मैंने। अच्छा सर, यहाँ पे क्या हुआ, अगर एसेट बिक गए तो बाई बैंक, और ये आपका बाई बैंक का मतलब होता है ये आपका सोर्स में आएगा, सोर्सेस, और यहाँ पे अगर टू बैंक आया तो ये होता है आपका परचेस। एक सम ले लीजिए, देखिए यहाँ पे आपका फिक्स एसेट कितना है, टेंजिबल एसेट 16,500 और 32,500। तो हम यहाँ पे बैठेंगे 16,500 और यहाँ पे बैठेंगे 32,500। और अगर आप लोगों को कुछ डिप्रेशन के बारे में, कुछ सेल के बारे में मालूम नहीं है, तो हम लोग इसी के चलते काम कर लेंगे ना। तो जो आपका ओपनिंग बैलेंस है उसको हम लोग यहाँ पे बैठाए, जो क्लोजिंग है वहाँ पे बैठाए। तो देखिए, 16,500 ओपनिंग में था, क्लोजिंग में 32,500 आया, ये बढ़ा कैसे। ज़रूर इसमें आप कुछ परचेस किए तो ऑटोमेटिकली ये 16,000 आ जाएगा, ये परचेस हो जाएगा। और ये कहाँ पे बैठेगा, ये आपका एप्लीकेशन में बैठेगा। ठीक है, तो यानी अगर बैंक अगर माल बिक रहा है, एसेट बिक रहा है, तो वो आपका सेल, यानी आपको आप उसको बोलोगे सोर्सेस ऑफ फंड। और अगर एसेट और इन्वेस्टमेंट को आप परचेस कर रहे हो, तो वो आपका होगा एप्लीकेशन। ठीक है, यानी ये जो अकाउंट है इसमें से बैंक वाला मेन इंपॉर्टेंट है। और सर डिप्रेशन, हाँ डिप्रेशन के बारे में अगर बता दिए तो आप डिप्रेशन बैठाना। सर अगर लॉस हुआ तो PL आएगा, प्रॉफिट हुआ तो आपका प्रॉफिट आएगा, तो वो हम लोग अलग से फंड फ्रॉम ऑपरेशन में सीखेंगे। यहाँ पे क्या है, बाकी का जो लायबिलिटी है, यहाँ पे हम लिखे ऑल लायबिलिटी, लेकिन ऑल लायबिलिटी मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि करंट लायबिलिटी इसके अंदर है, नहीं, करंट लायबिलिटी तो हम लोग पहले ही वर्किंग कैपिटल में सेट कर लिए, और इक्विटी शेयर कैपिटल अलग से देखेंगे। यहाँ पे लायबिलिटी का दरअसल मतलब है आउटसाइडर लायबिलिटी, लाइक डिबेंचर, बैंक लोन, प्रेफरेंस शेयर, इन सब का क्या करेंगे। देखिए, इन सब का क्या करेंगे, ये हम लोग स्टार्टिंग करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से। ठीक है, और यहाँ पे आएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन। यहाँ पे अगर मान लीजिए आपका लायबिलिटी, देखिए यहाँ पे डिबेंचर देखिए 5 है 10 है, तो अगर ये यहाँ पे 5,000 है और यहाँ पे अगर 10,000 है, तो आपका डिबेंचर शुरुआत में था 5,000 और साल ख़त्म होते होते ये आ गया 10,000 में, तो इंक्रीज हुआ ना। यानी आप बाई बैंक आप डिबेंचर को इशू किए 5, और इसको हम लोग बोलेंगे सोर्सेस। लेकिन अगर आप मान लीजिए ये 15 लाख है और क्लोजिंग में आ गया 10 लाख, यानी 5 लाख आप रिडीम किए पेमेंट, तो पेमेंट को हम लोग बोलेंगे एप्लीकेशन। इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि सर अगर एसेट बिके तो वो सोर्स है, डिबेंचर अगर इशू किए, बैंक लोन अगर लिए, प्रेफरेंस शेयर इशू किए, तो वो सब आपका सोर्सेस है। लेकिन डिबेंचर को अगर आप रिडीम किए, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम किए, बैंक लोन को पे किए, या एसेट को आप खरीदे, तो वो आपका हो जा रहा है एप्लीकेशन। तो ये सोर्स एप्लीकेशन का फॉर्मेट कहाँ है, ये पहले हम दिए हैं, उस पहला वाला वीडियो में आप लोग चेक कर लीजिए। अब देखिए, कुछ आइटम होता है कि वो आपका फिक्टिशियस एसेट के हम बोलते हैं, गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, इंटेंजिबल एसेट। यहाँ पे देखिए इंटेंजिबल एसेट कितना है, 3.5 और 2.5। यानी अगर हम यहाँ पे इसका भी ओपनिंग बैलेंस यहीं पे बैठेगा ना, 3.5 और ये 2.5, तो ये कम कैसे होता है, ये कम होता है एक ही चलते आपका राइट ऑफ। ठीक है, तो कौन सा अकाउंट आप राइट ऑफ के हिसाब से ट्रीटमेंट करोगे, गुडविल है, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है। तो नोट 1, नोट 2, नोट 3 बन चुका है,
और हम लोग ये भी देख लिए एक बैलेंस शीट में करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी को छोड़ के बाकी जितना भी अकाउंट्स है, जैसे कि शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है आपका, बहुत सारा आउटसाइडर लाइबिलिटी है, बहुत सारा एसेट है, टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, उसके बाद मिसलिनियस एक्सपेंसेस है, ये सबका क्या ट्रीटमेंट होगा। ऑल फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट के बारे में बता दिए, यहाँ पे आपका लाइबिलिटी के बारे में बता दिए, यहाँ पे आपका राइट ऑफ आइटम के बारे में बता दिए। अब देखिए और भी कुछ चीज़ बाकी है, जैसे कि शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल एक ऐसा है, ये लाइबिलिटी तो है लेकिन इसका नेचर डिबेंचर प्रेफरेंस कैपिटल से उल्टा है, रिवर्स है ये भी। हाँ, रिवर्स मतलब ये नहीं कि बैलेंस बैठेगा टू बैलेंस में, नहीं, ये तो लाइबिलिटी है ही, लेकिन देखिए ये तो इनकम है ना आपका, इनकम मतलब आपका सोर्सेस है ना, इनकम नहीं है, सोर्स है आपका, फंडिंग का सोर्सेस मेन सोर्सेस है इंटरनल फंड। तो ये स्टार्ट होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में, खत्म होता है कैरेट डाउन में, बीच में क्या रहता है, ये तो कभी रिडीम नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देखिए शेयर कैपिटल आपका था कितना, 20,000, और यहाँ पे आया 27,500। तो यहाँ पे हम बैठेंगे ब्रॉट डाउन 20,000 और यहाँ पे बैठेंगे 27,500। तो बीच में 7,500 क्या हुआ, ऑब्वियसली अगर कुछ नहीं कहा गया 99% आपका नॉर्मल एजम्पशन होगा बाय बैंक शेयर इशू हुआ। लेकिन कुछ कुछ समय बोलता है कि बोनस भी दिया है, तो उस टाइम आप बोनस, आपको तो मालूम है बोनस इशू होता है जनरल रिजर्व से, उस टाइम बाय जनरल रिजर्व लिख देंगे। जनरल रिजर्व का अलग से अकाउंट ओपन होगा, इसमें हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस कैरेट डाउन लिखेंगे। देखिए नॉर्मली जनरल रिजर्व ओपनिंग से क्लोजिंग बैलेंस में बढ़ जाता है, ओपनिंग में मान लीजिए 10 लाख है, क्लोजिंग हो गया 12 लाख, तो जनरल रिजर्व बाजार से तो हम नहीं खरीदते आए, तो सर उसको क्या होगा, उसका यही होता है कि वो पीएल से आता है, तो ये हम लोग लिखेंगे बाय पीएल ट्रांसफर। सर यहाँ पे क्या लिखे, देखिए जिस समय आपका जनरल रिजर्व बोनस से आएगा ना, सॉरी इक्विटी शेयर कैपिटल बोनस इशू होकर आएगा, उस टाइम हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय जनरल रिजर्व, ऑटोमेटिकली जनरल रिजर्व में आएगा, आता है तो टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये होल्डर होगा, लेकिन हम लोग इक्विटी शेयर कैपिटल लिखे होल्डर्स को स्किप किए। नॉर्मली यहाँ पे भी होगा बाय जनरल रिजर्व जो हो रहा है, ये दरअसल होता है बाय होल्डर्स में जाके अकाउंट सेटल करना पड़ता है, लेकिन हम होल्डर्स को स्किप कर लिए, हम लोग मैच्योर हो गया ना, हम लोग फिफ्थ सेमेस्टर में तो सब किए, तो ये यहाँ से इसलिए जनरल रिजर्व आता है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन फॉर टैक्स एंड प्रपोज डिविडेंड, ये तो आपका करंट लाइबिलिटी है सर, ये आप यहाँ पे क्यों दिखाए, देखिए मेरी बात सुनिए, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड ये तो है करंट लाइबिलिटी, लेकिन हम लोगों को सम सॉल्यूशन करने के लिए आसान होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं फंड फ्लो चैप्टर जो अभी कर रहे हैं और बाद में जो करेंगे कैश फ्लो, फंड फ्लो और कैश फ्लो में ना प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड का अलग से अकाउंट ओपन करेंगे। और एक बात याद रखना, ये प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड कब हम लोग ड्यू करते हैं, देखिए साल खत्म होता है, हम लोग एनुअल AGM बुलाते हैं, आप लोगों को मालूम है ऑडिट में, उस टाइम हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्स कितना होता है वो भी डिसाइड करते हैं, कितना टैक्स देना पड़ेगा वो कैलकुलेट करेंगे, और कितना डिविडेंड देना पड़ेगा वो भी डिक्लेयर करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना, ये दोनों आपका सेट असेट होता है साल के एंड में, और आप डिविडेंड कब पे कर रहे हो, ऑब्वियसली अगर जल्दी से जल्दी भी अगर डिविडेंड फाइनल डिविडेंड पे करोगे तो पे करते करते तो अगला साल आ जाएगा ना, तो इसलिए ये करंट ईयर में आपका ओपनिंग बैलेंस में रहता है जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये जो फिगर है ये दरअसल पिछला ईयर का टैक्स और डिविडेंड है, इस साल आप इसको पे करोगे तो टू बैंक, करंट ईयर में वापस आपका जो टू बैलेंस सीडी कहाँ से आता है, जो आप इस साल पीएल में ड्यू करते हो। ठीक है, तो सर जनरल क्या होता है, जनरल हम नहीं लिखा है, जनरल आपका ऐसा होगा कि प्रपोज डिविडेंड जो है, प्रपोज डिविडेंड या प्रोविजन फॉर टैक्स दोनों का एंट्री हम लोग यही बनाते हैं, पीएल अकाउंट डेबिट टू प्रपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स, ये बन गया ड्यू। ठीक है, अब ड्यू के हिसाब से तो ये ऑटोमेटिकली बैलेंस इधर आ जाएगा ना, और उसके बाद अगला साल मतलब नया साल में हम लोग उसको पेमेंट करेंगे, तो उस टाइम एंट्री बनाएंगे प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो जो पुराना का है वो यहाँ पे पेमेंट होगा, और जो यहाँ का ये वाला सीडी है ये प्रोवाइड होगा पीएल। ठीक है, अच्छा एक इसको छोड़ के और एक चीज़ है, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का मतलब आप लोगों को ऑडिट में आप पढ़े हो, आपको मालूम है, फिर भी हम बता देते हैं, साल के बीच में भी जो डिविडेंड आप देते हो उसको बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड का जनरल वही है, पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इसका सर फंड फ्लो में क्या काम होगा, देखिए इंटरिम डिविडेंड तो माइनस हो गया ना, तो जितना डिविडेंड आप दे रहे हो वो पीएल में डेबिट होगा, और बैंक ये जो है ये आपका ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन होगा। ठीक है, यहाँ पे भी वैसा, ये आपका एप्लीकेशन पार्ट है, ये सोर्स का कोई बात नहीं है, ये आपका ऑटोमेटिकली पीएल होगा। और क्या बाकी है, हम लोग सम करेंगे, लेकिन उसके बाद उससे पहले हम लोग लास्ट एक अकाउंट कर लेकर डिस्कस करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे पीएल अकाउंट, एडजस्टेड पीएल। एडजस्टेड पीएल का मतलब उससे हम लोग क्या निकालेंगे, उससे हम लोग फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंड फ्रॉम ऑपरेशन के लिए एडजस्टेड पीएल देखेंगे,
उसके बाद से हम लोग सम चालू करेंगे। तो सम चालू करने से पहले आपको कौन सा वीडियो देखना पड़ेगा, वीडियो वन, जहाँ पे आपको मालूम होगा कि फंड फ्लो है क्या, उसमें क्या सोर्सेज क्या है, एप्लीकेशन क्या है, और बैलेंस शीट में जितना भी आपका करंट एसेट करंट लायबिलिटी है वो सब लेके हम लोग नेटवर्किंग कैपिटल इंक्रीज और डिक्रीज देख लेंगे। उसके बाद ये वाला वीडियो है जिसमें आपको बहुत सारा अकाउंट्स जो करंट एसेट नहीं है, करंट लायबिलिटी नहीं है, उसका अलग सा ट्रीटमेंट मिला, और करंट लायबिलिटी में जो प्रोपोज डिविडेंड और प्रोविजन फॉर टैक्स है उसको आप लोग चेंज इन वर्किंग कैपिटल में मत दिखाना, उसको आप लोग अलग से यहाँ पे अकाउंट ओपन करना है। उसको छोड़ के भी इंटरिम डिविडेंड के लिए भी मालूम हो गया, और आगे जाके हम लोग सीखेंगे कैसे एडजस्टेड पीएल से हम लोग फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं। उसके बाद हम लोग मेन सम करेंगे। किसी भी डाउट हो, कोई भी आपको डाउट है, कोई भी सवाल है, तो आप हमसे पूछ लीजिए, ठीक है। डायरेक्ट मेरे को व्हाट्सअप नंबर आप लोगों को मालूम है, व्हाट्सअप ग्रुप से लेके मुझे आप लोग मैसेज कर देना, ठीक है।